हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये है छोटा सा ओपिनियन टेक्नो के कैमन 16 स्मार्टफोन का, जो आज ही टेक्नो ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर इनेबल कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के ऊपर जितने भी लाइक होंगे ना, उतना मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का, तो लाइक ज़रूर से। तो जितने भी स्पेक्स हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम आ रहे होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आराम से ही। बाकी फोन का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है, बट डिजाइन काफी अच्छा लगा मुझे। प्रोटेक्शन की बात करें तो क्या पता है इसके अंदर कौन सी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो मैं अपने आप से आपको नहीं बता सकता कि इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन मिलती है या फिर नहीं। इस फोन में हमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है बैक के ऊपर, जो काफी बड़ी बात है। इस प्राइस में सबसे पहला स्मार्टफोन हो जाता है ये, जिसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। यहाँ पर HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, IPS LCD पैनल, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको बैक के ऊपर देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड नहीं मिलता। सो फिंगरप्रिंट भी काफी अच्छी ही जगह रखा है, साइड माउंटेड हो जाता तो थोड़ा और अच्छा लगता फोन डिजाइन में। फोन के अंदर 4GB की रैम देखने को मिलती है, 64GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि जो बाहर इंडिया से बाहर ये स्मार्टफोन लॉन्च किया तो उसके अंदर हमें G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिला, तो इंडिया के अंदर G70 क्यों? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर ये कैमन 16 को लॉन्च किया है और इंडिया से बाहर कैमन 16 प्रीमियर को लॉन्च किया है, तो इसी वजह से इसके अंदर G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिला है। बाकी जो कैमन 16 प्रीमियर है वो भी इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, मैंने खुद बात की थी टेक्नो से। तो फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट ओपिनियन के ऊपर आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर इस प्राइस में काफी अच्छी चीजें आपको मिल जाती हैं स्मार्टफोन के अंदर, चाहे आप परफॉर्मेंस को देख लो, कैमरा को देख लो। डिस्प्ले थोड़ा वीक है मैं बोलूंगा, डिजाइन स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, तो ओपिनियन यही है। अगर आपको इस ब्रांड से दिक्कत नहीं है तो मैं ये स्मार्टफोन फिर आपको रिकमेंड करूंगा, आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। बट अगर आपको ब्रांड से दिक्कत है, आप चाहते हो कि एक तगड़ा सा ब्रांड हो जैसे रेडमी हो, रियलमी, ऐसे ब्रांड, तो फिर आपको यह स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं लगेगा। बाकी फोन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, अपनी प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा फोन लॉन्च किया है टेक्नो ने। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।